तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड ए यूनिक डेटा। मेरे डेटाबेस में से मैं यूनिक डेटा किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। यूनिक डेटा फाइंड आउट करने के लिए कुछ कमांड लगता है, जिस कमांड का नाम है डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। अब ये क्या है, क्यों यूज़ में आ रहा है, किस इसका इसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है और किस कंडीशन में हम इसे यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, बेसिक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ये एक टेबल है मेरे पास, MySQL की बात कर रहा हूँ मैं, एक टेबल है। इसमें स्टूडेंट का नाम है, एस नेम, एस एड्रेस, एस मतलब स्टूडेंट, एस रोल नंबर, एस क्लास, जो भी आप जितने भी डिटेल देना चाहें, एस मोबाइल नंबर, कुछ भी, ये तो यूनिक ही रहेंगे। ये कमांड यूज़ में आता है यूनिक डेटा निकालने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि नाम है अरुण, अरशद, अरशद, दो लोग हैं जो अरशद हैं इसमें, फिर कुछ और नाम दे देता हूँ मैं, पवन। एस एड्रेस है सीकर, किसी का है जयपुर, किसी का है जयपुर, किसी का है सीकर, फिर कुछ लोग हैं जो जयपुर से हैं, समझ रहे हैं। अब मेरे से पूछा जाता है कि आपकी स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो मैंने बोला 1 2 3 4, सर 4 स्टूडेंट है। ये मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, बाकी कम से कम 400-500 स्टूडेंट तो कम से कम होंगे स्कूल में। और अब मुझसे बोला जाता है कि सर आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेज में जो स्टूडेंट आते हैं वो कौन कौन से शहरों से आते हैं, तो क्या मैं ऐसे बताऊंगा क्या कि सर पहला जो लड़का है वो तो सीकर से आता है, दूसरा लड़का जयपुर से आता है, तीसरा लड़का भी सीकर से आता है, चौथा जयपुर से आता है, पांचवा जयपुर से आता है, ऐसे नहीं बोलूंगा ना। मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि सर सीकर से आता है कुछ लोग तो, और कुछ लोग जयपुर से आते हैं, मतलब इन दो शहरों से लोग मेरे स्कूल में, मेरी कॉलेज में, मेरी कोचिंग में या फिर मेरी कंपनी में आते हैं। क्वेश्चन क्या था, कौन से शहरों से लोग आपकी कंपनी में आते हैं, तो मैंने बोला सीकर से और जयपुर से। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सीकर से तो अरुण आता है, सुरेश सीकर से आता है, वरुण जयपुर से आता है, वरुण सीकर से आता है, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ नाम पूछा है उसने, मैं दो शहरों के नाम बता दूंगा। सेम ऐसा ही हम लोग उनकी एज की भी बात कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ एम्प्लॉय होंगे जिनकी एज 18 हो सकती है, स्टूडेंट है तो। फिर अरशद है जैसे, उसकी एज क्या होगी, उसकी भी 18 हो सकती है। फिर अनीस, कोई अरशद एक और होगा, उसकी एज जो है वो 19 होगी। फिर कोई पवन होगा, उसकी एज 18 होगी। अब मुझसे पूछा जाएगा कि सर आपकी स्कूल में या आपकी कंपनी में कितनी एज के स्टूडेंट या कितनी एज के एम्प्लॉय काम करते हैं, तो मैं बोलूँगा क्या कि सर एक तो 18 का है, एक 18 का है, एक 19 का है, एक 18 का है, ऐसा नहीं बोलूँगा ना। मैं बोलूँगा कि सर 18 के और 19 के, मतलब मैं यूनिक वैल्यू निकाल के लाऊँगा कि भैया यूनिक है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे इसको समझने के लिए, हम हमारे सिस्टम पर चलते हैं, सिस्टम पे चलते हैं। मैंने जो टेबल जो मैंने बना रखी है वो मैं आपको शो करा देता हूँ। बार बार टेबल नहीं बनाऊँगा मैं, शो स्ट्रिंग फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई है मेरी टेबल का नाम। टेबल किस तरीके से बनती है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। शो नहीं होगा, सेलेक्ट होगा। शो हो तो तब होगा जब आप टेबल को शो करवाएंगे कि आपके डेटाबेस में कौन कौन सी टेबलें हैं, लेकिन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कंप्लीट वैल्यू। ये देखो, ये मेरी टेबल है जो बनी हुई है। अब मुझे चाहिए, देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, क्या बात करें हम लोग, एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस में देखो, एक स्टूडेंट है जिसका नाम राघव है और वो न्यूयॉर्क में रहता है, ईशान है वो सीकर में रहता है, कपिल है, कपिल जो है वो सीकर में रहता है, ठीक है। जो वैभ, जो विशेष है, उत्तर प्रदेश में रहता है। कुछ लोग हैं जयपुर में रहते हैं, फिर जयपुर में, फिर हरियाणा, आसाम, यूपी, जयपुर, जयपुर। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि सर यूनिकली आप बताइए कि ना कौन कौन से शहरों से आपके स्कूल में लोग आते हैं या एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉई कौन कौन से जगह से आते हैं, तो मैं बोलूँगा सर एक तो कुछ तो न्यूयॉर्क से आते हैं, सीकर से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, और आसाम, यूपी, फिर जयपुर दो बार, फिर सीकर दो बार, नहीं बोलूँगा मैं। तो ये लिस्ट किस तरीके से हम लोग निकालें, किस तरीके से ये काम होगा, इसके लिए आपको एक कमांड लगाना पड़ेगा जिससे आपको यूनिकली पता लग जाएगा कि इन इन जगहों से लोग आ रहे हैं या ये डेट ऑफ बर्थ इनकी है। अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ में भी आप कर सकते हैं, DOB की मैं बात कर रहा हूँ। राघव की DOB 2004 है, ईशान की 2003 है, फिर कपिल की फिर 2004 आ गई, तो मतलब मैं बोलूँगा कि कितनी डेट ऑफ बर्थ के लोग काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा 2004 के भी हैं, 2003 के भी हैं, 10 के भी हैं, 2 के, 3 के, फिर 1, देखो 3 बार आ गया, तो मैं नहीं बोलूँगा 3, मैं पहले ही बोल चुका यहाँ, तो मैं दोबारा 2 बार 3 नहीं बोलूँगा। ये किस तरीके से करेंगे इसको करने के लिए कमांड लगेगा,
और वो कमांड कुछ ऐसा होगा, कमांड आप लगा सकते हैं सिंपली सेलेक्ट, और लिखना है आपको डिस DISTINCT डिस्टिंक्ट, और आपको क्या करना है एड्रेस करना है मुझे, तो एड्रेस ADDRESS एड्रेस, ओके ADDRESS एड्रेस फ्रॉम कहाँ से, मेरी जो टेबल का नाम है जो कि है एम्प्लॉई एम्प्लॉइज, ये मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो मेरा एड्रेस है, क्या एरर आया, एम्प्लॉइज की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, तो वो होगा। आप देख सकते हैं, देखो जो न्यूयॉर्क से है कुछ लोग बिल्कुल हैं, ये देखो सर न्यूयॉर्क में है, फिर सीकर है, सीकर है, दोबारा सीकर नहीं लिया इसने, तो फिर उत्तर प्रदेश आ गया, जयपुर, हरियाणा, आसाम और यूपी, मतलब मेरे जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो इन शहरों से आते हैं। अब इसको तीन तीन बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बार, ये तीन ये शहर हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेवन रो, देखो सेवन आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, ये सात जगह है जहाँ से लोग मेरी कंपनी में आते हैं। आप कितने लोग हैं, अगर 10 लोग न्यूयॉर्क से आ रहे हैं तो मैं न्यूयॉर्क ये नहीं बोलूँगा, 10 10 बार न्यूयॉर्क लिखूँगा, बस मैंने बता दिया न्यूयॉर्क से। आप DOB में भी ये चीज़ कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में हम लोग चेक करते हैं देखो कितने हैं, तो आपको क्या करना होगा सेम कमांड लगाएंगे, बस आप एड्रेस की जगह आप DOB कर देंगे, DOB मैं कर देता हूँ, ये देखो 2004 3 10 2 1, ये एक तरीके से कमांड यूज़ आता है यूनिकली वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो कमांड है अपना डिस्टिंक्ट वो कब यूज़ आता है, कहाँ यूज़ आता है। यूनिकली डेटा अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है मेरी टेबल के अंदर तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ओके सो थैंक यू सो मच।